लैपटॉप में स्वागत है। तो अभी जो बात करने जा रहा हूँ कि आपका कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आपको क्या क्या उसमें लगाना है और क्या क्या उसमें इनबिल्ट करना है और क्या क्या आपको ख़रीदना है। आज वीडियो में आप लोगों को पूरा डिसेबल असेंबलिंग जो भी होता है और एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है फुल डिटेल्स आप पूरा बताऊँगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर। तो अभी जो बात कर रहा हूँ कि एक कंप्यूटर आपके पास है तो कंप्यूटर को कैसे आपको मतलब क्या क्या खरीदना है और क्या क्या कंप्यूटर में होता है उस आज वीडियो में बनाओ बोलूँगा। तो बात करूँगा कि पहले पॉइंट जो है उसका जो कैबिनेट होता है, मतलब पूरा डब्बा देखोगे तो अलग अलग बंदा ये समझता है कि जो डब्बा मतलब जो डिस्प्ले है एक मॉनिटर जिसको कहते हैं वही सब कुछ है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि वो सब कुछ नहीं है, ओनली क्या कहते हैं वो हमको व्यू देता है, मतलब देखने को मिलता है और कुछ नहीं होता है। क्या होता है? ओनली देखने को, हम क्या काम करते हैं वो आपको देखने को मिल जाता है जिसको हम मॉनिटर करते हैं। तो उसका जो काम है ओनली व्यू दिखाना, मतलब आपको देखना है, ठीक है। एक हो गया मॉनिटर और दूसरा टाइप जो है वो है सीपीयू। सीपीयू का मतलब जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब उसको प्रोसेसर को कहते हैं। फिर भी एक बार मतलब जो कैबिनेट होता है एक जो डब्बा जिसके अंदर पूरा होता है, तो वो वाला मैं पीछे कर देता हूँ। पहले बात चला जाता हूँ मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड होता है वो एक वो जो डब्बा होता है कैबिनेट के अंदर वो मदरबोर्ड लगता है। तो आपको मॉनिटर तो एक खरीदना है व्यू देखने के लिए, फिर जाता है मदरबोर्ड में, ठीक है। आपको एक कंप्यूटर कंप्लीट बनाना है तो आपको मदरबोर्ड खरीदना है। तो मदरबोर्ड जो होता है 31, 41, 61, 81, 100, बहुत सारे मॉडल होता है। आपका कितना बजट है उसकी वजह से, मतलब आपका जो बजट है बजट की वजह से मदरबोर्ड आपको चॉइस करना है, या कहीं भी कंप्यूटर शॉप में जाओगे तो वो बजट दे देगा आपको कि सर जी आपका कॉन्फ़िगरेशन कुछ है तो बता दो, हम वही फिक्स कर देंगे आपका रेट बोल देंगे। और भी एक कर सकते हो कि सर मुझे 30,000 या 50,000 में एक कंप्यूटर बनाना है, आपको दे दो क्या क्या उसमें होगा, यही बात है। तो उस हिसाब से आपको मदरबोर्ड लग जाएगा, ठीक है। अगर मदरबोर्ड कौन सा लिया है या प्रोसेसर कौन सा लिया है वो भी आपको देखना है। तो मदरबोर्ड को जो सीपीयू सॉकेट होते हैं उसमें एक मदरबोर्ड प्रोसेसर लगता है, ठीक है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो वो भी आपको अमाउंट से ही पता चलेगा कि आपका जो अगर आपके पास कोई बजट कम है तो वो ले सकते हो, डुअल कोर i3 i5 जो भी है उसका ले सकते हो, या EMD प्रोसेसर जो है Ryzen 3 Ryzen 5 वो भी चूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से प्रोसेसर की वजह से मदरबोर्ड भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो होता है, देखिए गौर से सुनिएगा, कॉम्बिनेशन जो होता है मदरबोर्ड प्रोसेसर और रैम, ये तीनों जो है ये तीनों की वजह से आपको कॉम्बिनेशन सही रखना है। कि मदरबोर्ड ले लिया आपका DDR4 का, आपका जो रैम ले रहे हो DDR2 का तो नहीं चलेगा, क्योंकि DDR रैम का जो है जो DDR रैम है उसका प्राइस बहुत कम है, उसका स्पीड कम है, वो बैकडेट है। और आप ले रहे हो 110 का, 110 मतलब DDR4 का, तो उसमें तो नहीं चलेगा, उसमें घुसेगा भी नहीं, ये भी समझ लो। आप जबरदस्त करोगे तो लॉक भंग टूट जाएगा या रैम का कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपका जो CPU लेने से जो आपको ये तीनों चीज़ आपको याद में रखना है, मदरबोर्ड प्रोसेसर और रैम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो सही है, ठीक है। कि ऐसा ले लिया DDR2 का रैम ले लिया और मदरबोर्ड DDR4 का ले लिया, ठीक है, और मतलब 110 का मदरबोर्ड ले लिया और प्रोसेसर ले लिया AMD। तो इस जो बात कर रहा हूँ कि तीनों ही तीनों अलग अलग चीज़ है, मतलब ये मदरबोर्ड इसमें नहीं आएगा, ये प्रोसेसर इसमें नहीं आएगा, जो प्रोसेसर लगा है इसमें नहीं आएगा, मतलब तीनों जो मॉडल है ये तीनों किसी पे भी नहीं होगा, ठीक है। ना प्रोसेसर मदरबोर्ड में घुसेगा ना रैम उस मदरबोर्ड में घुसेगा, कोई भी नहीं है।
तो आपको कोई भी बंदा है को कंप्यूटर में नॉलेज रखता है तो उससे संपर्क कीजिए, या कंप्यूटर शॉप से आपको बता देना है कि सर मेरा पास 20,000 का है, तो 20,000 में कितना कंप्यूटर मतलब कॉन्फ़िगरेशन कितना है आएगा और क्या क्या दे रहे हो ये भी बता देना, और आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको प्रोवाइड करो, वो बता देगा कि आपका प्राइस कितना लगेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो कंप्लीट मतलब समझ गए होगा इतने टाइम में, जो इतना मैं समझ रहे हो कूलिंग करके मैं समझ करता हूँ, कि अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके बता देना तो भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो कॉम्बिनेशन जो होता है मदरबोर्ड प्रोसेसर और रैम, इसका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, गलत मत करना, गलत करोगे तो कोई आपका काम नहीं होगा, उसमें नहीं भी घुसेगा। ठीक है, तो ये गया मदरबोर्ड रैम प्रोसेसर। फिर चला जाते हैं हम हार्ड डिस्क पर, हार्ड डिस्क और एसएसडी कोई भी ले सकते हो, ये एनवीएम भी ले सकते हो, M.2 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, आप नॉर्मल एसएसडी ले सकते हो या हार्ड डिस्क, ये कोई भी मदरबोर्ड लोगे तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साटा वाला कोई भी हार्ड डिस्क और एसएसडी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घुस जाएगा। लेकिन अगर M.2 ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि बोर्ड में मदरबोर्ड में उसका स्लॉट है कि नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर M.2 ले रहे हो, NVMe को SSD ले रहे हो, तो बोर्ड में उसमें जगह नहीं है तो आपको फेंकना पड़ेगा, या दो जो जहाँ से लिया उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर M.2 ले रहे हो उसका स्पीड ज़्यादा है, अगर मदरबोर्ड में नहीं जगह रहेगा नहीं तो नहीं बैठेगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर चला जाता है जो कैबिनेट और SLPS होता है। ठीक है, पावर सप्लाई जो होता है नॉर्मल, अगर नॉर्मल कम मतलब 30 या 40 50 50,000 के नीचे वाला कोई सिस्टम होगा तो आप नॉर्मल 700 या 500 का वाट का SLPS लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आप ध्यान में रखिए, अगर 50,000 के नीचे कोई भी सिस्टम बना रहे हो या 700 या 500 का वाट का कोई भी SLPS ले सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ महंगा मदरबोर्ड ले रहे हो, महंगा मतलब गेमिंग टाइप का, तो उसमें आपको नहीं आएगा, उसका मदरबोर्ड कुछ अलग होता है और जो SLPS होता है वो भी कुछ अलग टाइप का होता है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। और जो कैबिनेट का बात कर रहा हूँ, कैबिनेट जो होता है वो भी थोड़ा सा मतलब मैं पहले बोल रहा हूँ कि 5,000 मतलब 50,000 का ऊपर चला जाता है तो कोई अलग बात है, 50,000 के नीचे कोई भी है तो नॉर्मल केबिनेट आपको यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर गेमिंग टाइप का कोई मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हो या गेमिंग टाइप PC एमुलेट कर रहे हो तो उसमें नहीं आएगा, उसके कैबिनेट भी अलग से होता है और SLPS भी अलग होता है, मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो है यह ध्यान पे आपको रखना है। तो आपको जो कंप्यूटर लगाने के लिए आपको जो है मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम हार्ड डिस्क या SSD ले सकते हो, SLPS कैबिनेट और मॉनिटर और माउस और कीबोर्ड आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़ा अलग अलग, क्योंकि PS2 वाला जो माउस कीबोर्ड है वो तो पूरा बंद हो गया है, अभी जो मिलेगा लेटेस्ट जो होता है यूज़ भी हो जाता मिलेगा, तो कोई भी मदरबोर्ड गेमिंग लो या नॉर्मल कंप्यूटर लो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी ऐसे मतलब कीबोर्ड माउस ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप गेमिंग महंगा भी ले सकते हो, 10,000 20,000 का कीबोर्ड होता है वो भी ले सकते हो, और 200 300 150 भी आपको कीबोर्ड माउस मिल जाता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये जो यूज़र्स है उसके डिपेंड करता है कि वो कितना महंगा ले ले रहा है। तो नॉर्मली जो कोई भी कंप्यूटर असेंबलिंग या लेना चाहते हो तो क्या क्या लगेगा, आप इस मेरा वीडियो से पूरा क्लियर समझ गए हो का कि एक कंप्यूटर में क्या क्या लगता है। तो इम्पोर्टेंट जब बात करना हो कि जो प्रोसेसर है वो बहुत महंगा मतलब उसके डिपेंडेंट पड़ता है कि प्रोसेसर कौन सा है, उसके हिसाब से आपको प्राइस बनता है कंप्यूटर का। अगर i7 ले रहे हो तो मान के चलो 50,000 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर डुअल कोर या फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन का कुछ बना रहे हो तो वो आपको 10 15 में 10,000 में 20,000 में अंदर अंदर हो जाएगा, आईसी वगैरह कोई भी हो जाएगा, जनरेशन कुछ लो ले लो तो कम हो जाएगा। तो कोई भी बंदा
आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो। मेरा कौन अगर मुझसे डिस्कस करना चाहता हो कमेंट करके बताएं, और मैं फुल डिटेल्स आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। और कंप्यूटर या लैपटॉप रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कोई भी होगा तो ऐसे ही रिलेटेड आपको वीडियो डेली बाई डेली प्रोवाइड करूँगा। अगर मेरे चैनल पर मतलब पहले आए हो या फर्स्ट देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट ना भूलिए, ठीक है। तो डेली बाई डेली मैं इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का कोई भी वीडियो नहीं छोड़ता हूँ, ऑल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, डेली बाई डेली। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बेस्ट ऑफ लक। आप भी जो मेरा जो पूरा वीडियो मेरा चैनल पे बहुत सारे वीडियो है वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वॉचिंग करने का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।